जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम मेड जी। और इस वीडियो में आपको अपने पेड ग्रुप के बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूं। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं इस वीडियो को देख लीजिए, और करंट और जीएस ये दोनों को ही लेकर के चला जाएगा। और आपके बहुत सारे कमेंट थे जिसके आधार पर मैंने एक फ़ी स्ट्रक्चर तैयार किया है, जिसके आधार पर आप आसानी से कुछ सिंपल सी एक किस्तों में आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। बहुत सारे लोगों के कॉल्स और व्हाट्सएप पर मैंने देखा ये चीज़, और मैं समझ सकता हूँ क्योंकि इन सारी समस्याओं से मैं खुद जूझ चुका हूँ। तो मुझे लगता है कि आपको भी कुछ ना कुछ एक ऐसा रास्ता मिलना चाहिए जिस रास्ते के तहत आप अपनी स्टडी पर फोकस कर सकें, है ना। और ये चीज़ हर कोई कर सकता है जैसा मैंने फ़ी स्ट्रक्चर बनाया है। तो यहाँ पर बता दूँ, मैं दो ग्रुप चला रहा हूँ। एक है आपका करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको करंट अफेयर्स से संबंधित सारी जो भी डेली अप टू डेट करंट होता है वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। इसके अलावा आपकी मर्जी हो तो पढ़िएगा, वरना इतना सफिशियंट है पूरी तरह से। बार बार लोग पूछते हैं क्या इतना सफिशियंट है, इसके अलावा न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है, नहीं पढ़ जरूरी है। देखिए मैं बता रहा हूँ, मैं UPSC के लिए जितना होना चाहिए वो पूरी की पूरी चीज़ें आपको प्रोवाइड करता हूँ। यानी कि जो भी न्यूज़पेपर में आता है, PIB में आता है, मैगजीन्स में आता है, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड हो जाती हैं। जो भी वेबसाइट्स हैं इम्पोर्टेंट, उन सब से लेकर के एक तरह से ये करंट आपको एक जगह प्रोवाइड कर दिया, जिससे इधर उधर आपको बिल्कुल भी भागना ना पड़े, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात जो मैं आने शुरू करने जा रहा हूँ, जिस पर मैंने वीडियो बनाया भी था, जनरल स्टडी का PDF फॉर्मेट में ये क्लासेज होंगी। ये सुन लीजिए पहले ही कि ये एक PDF क्लास है केवल, यानी कि आपको PDF प्रोवाइड कराई जाया करेंगी, ना कि वीडियो। PDF, लेकिन इसे केवल PDF ना समझें कि मात्र एक मटेरियल एक तरह से देने वाला संस्थान, ऐसा नहीं है। इस PDF के अंदर आपको इंस्ट्रक्शन होते हैं कि ये चीज़ ऐसे करनी है, ये करंट है तो इसमें से ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ऐसे आपको क्वेश्चंस लिखना है, ठीक है। इसी प्रकार से आपका जो GS का होगा उसमें भी चीज़ें होंगी। जैसे मान लीजिए एक चैप्टर हो गया, चैप्टर के अंदर से क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं वो मेंशन कर दी जाएंगी, वहाँ से क्वेश्चन आपको बना के दे दी जाएंगे फ्रेम में, उसी में। यानी कि जनरल स्टडी की सारी तैयारी पूरी की पूरी, प्री और मेंस दोनों ही की बता रहा हूँ मैं, करंट अफेयर्स में भी प्री मेंस दोनों और GS के अंदर भी प्री मेंस दोनों का। बस आपका बचेगा क्या, ऑप्शनल सब्जेक्ट और हिंदी और इंग्लिश का जो कंपलसरी पेपर होता है वो आप खुद से तैयार करिए, और उसकी तैयारी ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं है। यदि आप निबंध के लिए थोड़ा सा कहेंगे तो मैं चीज़ें GS के अंदर ही प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। वो GS के अंदर ही मान के चलिए, उसका GS के अंदर आपका सारा वर्ल्ड हिस्ट्री, एथिक्स और जो IR होता है, इंटरनेशनल रिलेशन, सब कुछ आपको PDF फॉर्मेट में सिस्टमेटिक ढंग से प्रोवाइड किया जाएगा। और ये एक साथ प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, जितनी आपकी क्षमता है डेली अप टू डेट उसके अनुसार ये प्रोवाइड किया जाएगा। यानी कि आप 20-25 पेज एक दिन में पढ़ पाओगे तो 20-25 पेज बना के करवा के एक सिस्टमेटिक ढंग से, और 5 दिन क्लास लगा करेंगे इसकी, केवल किसकी, जनरल स्टडी वाले की। और करंट अफेयर्स की आप सभी को पता है, जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं उन्हें पता ही है कि डेली अप टू डेट आता ही है, कोई भी दिन छुट्टी नहीं रहता है। एक आध दिन बीच में गैप हो सकता है, कारण क्या हो सकता है, या तो सरकारी छुट्टी हो सकती है या फिर संडे हो सकता है, लेकिन फिर भी उसमें आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं। जैसे मान लीजिए किसी दिन न्यूज़पेपर नहीं आया और बंद ही रहा सब कुछ, तो वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो इसका फी स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ, और उसे ध्यान से थोड़ा सा सुन लीजिए, बाद में आप क्वेश्चन मत पूछिएगा। वैसे ये सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में PDF फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगी लिखित रूप में, कैसे आपको ज्वाइन करना है, कहाँ से जमा करने हैं पैसे, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, 3 प्रकार के यहाँ पर फी स्ट्रक्चर हैं, वो देख लीजिए आप, ठीक है। ये कुछ दिखाई ना दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सुन लीजिए, मैं स्पष्ट रूप से आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। पहला है केवल GS, यानी कि जो जनरल स्टडी के लिए ज्वाइन करना चाहता है पूरा का पूरा, यानी करंट वो खुद से करना चाहते हैं तो वो खुद से कर सकते हैं। केवल GS के लिए जो लोग करना चाहते हैं उन्हें 5,000 रुपये देने होंगे, ठीक है। और जिनको मैंने किस्तों में डिवाइड कर दिया है, कुछ लोग तो तैयार थे देने के लिए, लेकिन कुछ लोग कह रहे सर हम छूट जाएंगे, हमारे लिए भी कुछ ऐसा करिए। तो सभी के लिए जिन्होंने फीस जमा कर दी है, ठीक है, वो इसे मत मायने ज़्यादा लीजिएगा, क्योंकि आप पर थे इस वजह से कर दिया है, जिन पर नहीं है उनके लिए एक स्ट्रक्चर बना दिया है, ठीक है। मेरा काम है हेल्प करना आपकी, कैसे भी हो आपके लिए रास्ते निकालना। देखिए UPSC क्या है, रास्ते निकालना ही तो है। तो हमें क्या करना है, गरीबी के लिए, इन सब के लिए रास्ते निकालने हैं कहीं ना कहीं,
तो वही रास्ता मैंने आपके लिए थोड़ा सा निकालने की कोशिश करी है। तो पहली जो किस्त होगी वो होगी 1500 रुपये, ठीक है, 5000 रुपये केवल जीएस में जो लोग लेना चाहते हैं, ये जो है 21 अक्टूबर तक आपको जमा कर देने हैं, ठीक है। इसके बाद नहीं, इसके बाद फिर पूरा का पूरा ये सिस्टम ही आपका लागू रहेगा, 5000 के 5000। थोड़ा सा क्या है, अभी पैसे आ जाएंगे मेरे पास तो उस सिस्टम को मैं स्टार्ट कर सकता हूँ जो भी मैं करना चाह रहा हूँ, है ना। इस वजह से मैंने ये रख दिया, मुझे पता है इतना पैसा आप अफोर्ड कर सकते हो कहीं से भी, इतना गरीब भी नहीं होता है कोई, मुझे पता है। लेकिन हाँ, एक कुछ टाइम ऐसा होता है, इसीलिए मैंने 4 महीने आपसे ले रहा हूँ। तो 21 अक्टूबर तक ये जमा कर दीजिए 1500 रुपये। उसके बाद आपकी 21 नवंबर को किस्त जमा करनी है 1200 की, फिर 1200 की, फिर 1100 रुपये की, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है इनका, ठीक है, ये डेट्स दे दी हैं यहाँ पर और ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। दूसरा बी जो पैकेज है वो क्या है, वो उन लोगों के लिए जिन्होंने करंट अफेयर्स ज्वाइन कर लिया है, करंट अफेयर्स के लिए 1000 रुपये जिन्होंने जमा कर दिए हैं ये उन लोगों के लिए है। उन्हें कितना जमा करना है, 4500 रुपये, यानी कि 500 रुपये की उन्हें फ़ायदा हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो उन्हें 21 अक्टूबर तक 1100 रुपये जमा कर देने हैं, 21 अक्टूबर तक तो उनका जो है स्टार्ट हो जाएगा। और ये बता दूँ ये बैच कब से स्टार्ट होगा, जनरल स्टडी वाला, करंट वाला तो चल ही रहा है, जनरल स्टडी वाला आपका 5 नवम्बर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 5 नवम्बर से स्टार्ट हो रहा है डेली PDF फॉर्मेट में। फिर आपको 1200 की किस्त, फिर 1200 की, फिर 1000 रुपये की किस्त जमा करनी है 21 जनवरी तक, 21 जनवरी को, यानी कि ये डेट दी है, इन्हीं इसी डेट को आप डालिएगा अकाउंट में, क्योंकि इसी दिन आप समझ सकते हो थोड़ा सा मैनेज करने में दिक्कत होती है, इसी वजह से जितने भी लोग पेड ग्रुप करवाते हैं वो कभी भी किस्तों में नहीं करवाते, मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी मुझे पता है, लेकिन आपके लिए मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। मुझे चेक करना पड़ेगा, रीचेक करना पड़ेगा बार बार लोगों को, और जो नहीं देंगे उन्हें उठाना भी पड़ेगा, वैसे उम्मीद है कि ऐसा कोई नहीं करेगा मुझे पता है, इसी वजह से मैं अपने आप को आपके प्रति समर्पण कर रहा हूँ, आप भी मुझे कर दीजिए समर्पण, ठीक है। सी जो कैटेगरी है ये पॉपुलर कैटेगरी मान के चलिए, क्योंकि जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है अभी कुछ भी, ना करंट ज्वाइन किया है और ये भी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो 5500 रुपये में कर सकते हैं, यानी कि इंस्टेंट इन्हें भी 500 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। इन्हें क्या करना है, जिन लोगों को ने कुछ नहीं, एकदम बिल्कुल नए हैं, हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, इसमें आपका करंट और जीएस दोनों आएगा, ठीक है। ये आपको 21 अक्टूबर तक जमा करनी है 2000 रुपये, उसके बाद 1200 रुपये, 1200 रुपये, 1100 रुपये, यानी किस्त जो है लगभग समान है सबकी, बस यहाँ पर फर्क आ रहा है पहले वाले पर, ठीक है, यहाँ पर दो। और जो लोग करंट केवल ज्वाइन करना चाहते हैं, जीएस मान लीजिए अपने आप कवर कर लेते हैं कुछ लोग, ठीक है, कर सकते हैं, मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं उसमें ये चीज़ें पढ़नी हैं, मैंने अब तक ये बता दिया आपको कि ये चीज़ें पढ़नी हैं, अब मैं आपको क्या दूंगा, ये चीज़ें पढ़नी तो हैं, उनको कंबाइन करके दूंगा और उन पर थोड़ा सा काम करके, वर्क करके, कि यहाँ से ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, प्री के यहाँ से ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो क्वेश्चंस भी दे दिए जाएंगे, मेंस के भी क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी कम्प्लीटली हो सके। जो लोग करंट अफेयर्स के लिए केवल ज्वाइन करना चाहते हैं उन्हें कभी भी 1000 रुपये जमा कर दीजिए और लिख दीजिएगा करंट अफेयर्स के लिए, वो डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा आपको सारी चीज़ें डिटेल में, और व्हाट्सअप नंबर पर पूछ लीजिएगा, व्हाट्सअप करिएगा प्लीज़, और जो जो ज्वाइन करने रहे हैं वही करिए प्लीज़, और जो लोग पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वही कीजिए, बाकी के लोगों को तो मैं यहाँ पर सारी चीज़ें बताता ही हूँ, ठीक है। आप यहाँ से फ़ायदा उठाते रहिए और बिल्कुल अपना टारगेट बनाते रहिए, आपके साथ भी मैं उतना ही हूँ जितना इन लोगों के साथ हूँ, लेकिन थोड़ा सा क्या होगा, ये लोग थोड़ी सी मैं इनकी हेल्प और अपने बेहतर ढंग से कर सकता हूँ, आप सभी जानते हैं कर सकता हूँ मैं, थोड़ा सा पैसा आएगा तो मैं थोड़ा सा उनकी हेल्प कर पाऊँगा अच्छे ढंग से, उन चीज़ों को थोड़ा सा सटीकता से देख पाऊँगा, एक जगह में थोड़ा सा फोकस कर पाऊँगा, ये फ़र्क है बस। ये नंबर नोट कर लीजिए 9068588472, इस पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। अब इससे आसान और क्या हो सकता है मुझे आप बता दीजिए, ठीक है, इससे आसान नहीं हो सकता कुछ भी, जितनी आसानी थी मैंने वो सारी बता दी है। करंट अफेयर्स के लिए ज्वाइन करना, करंट अफेयर्स के कर लीजिए, दोनों के लिए ज्वाइन करना है, 500 रुपये का फ़ायदा हो रहा है अभी भी, मान लीजिए कल आपको करंट अफेयर्स अच्छा लगे और फिर से ये ज्वाइन करना पड़े तो ये 500 रुपये एक्स्ट्रा जाएंगे, तो आज ही से ज्वाइन करिए और रजिस्ट्रेशन करा दीजिए अपना 21 अक्टूबर से, 21 अक्टूबर को, जैसे ही 21 अक्टूबर को नहीं, 21 अक्टूबर तक, ये क्या है तक है ये ध्यान में रखना है, यानी कि आज से ही अपना स्टार्ट कर दीजिए नंबर लगाना, ठीक है, जिससे सुनिश्चित हो सके चीज़ें और लगभग 100 के लोग आसपास आ जाएं, तो ये फीस वीस भी इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि ज़्यादा लोग आने लग जाते हैं तो क्या होता है समझ सकते हो आप कि मैं ज़्यादा भी कर सकता हूँ आने वाले समय में,
तो ये मुझे एक इन्फॉर्मेशन देनी थी, कुछ भी चीज़ पूछनी है व्हाट्सएप पर पूछेगा, केवल व्हाट्सएप करके, और रिलेटेड होनी चाहिए इन सब से, ठीक है। ये मत पूछेगा कैसे तैयारी करूँ, बुक्स बता दीजिए, ये बता दीजिए। उसी के लिए मैंने ये सारा वीडियो जो है पेड ग्रुप स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको कुछ भी चीज़ पूछने की ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन आइएगा वही जिन्हें विश्वास है पूरी तरह से, बिना विश्वास के मत आइएगा। बिना विश्वास के मैंने बहुत सारी बुक्स बता दी हैं, टॉपर्स ने बता दी हैं, उन्हें आप अच्छे ढंग से पढ़िए। जिन्हें पूरी तरह से विश्वास हो कि मैं आपको अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर सकता हूँ, वही आइएगा बस, जिन्हें पूरी तरह से विश्वास हो। यानी कि मैं गलत भी चीज़ दूँ वो आप पढ़ लो, यानी कहते हैं ना गुरु पर पूरा विश्वास करना है, करना है तो, नहीं तो नहीं करना है बिल्कुल भी। या तो पूरा करिए या फिर बिल्कुल भी मत करिए। मैं गलत भी दे रहा हूँ उसे आप पढ़ लीजिए, वो गलत भी आपके काम आएगा। ये अंधभक्ति वाली बात है बिल्कुल। गुरु के साथ आपको ऐसे जुड़ना होगा, ऐसे जुड़ना होगा। मैं आपको कोई भी कठिनाई दे रहा हूँ करंट अफेयर्स के अंदर, नहीं समझ में आ रही है तो वो इस वजह से दे रहा हूँ क्योंकि यूपीएससी में भी ऐसे ही बनाया जाता है। बिल्कुल चीज़ें समझ में नहीं आती तो उनको आपकी प्रैक्टिस हो वो अभी से प्रैक्टिस हो। यूपीएससी साधारण नहीं है, आसान नहीं है, लेकिन उसे बनाने का प्रयास किया जा सकता है आसान, जब आप पहले से ही उसकी प्रैक्टिस कर लोगे। इसी प्रकार से जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसा वहाँ पर कन्वर्जन होता है हिंदी इंग्लिश से हिंदी, इसी प्रकार से मैं चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। उसमें आपको कठिनाई भी लगेगी, दिमाग भी थोड़ा सा एकदम झलझला जाएगा। आसान नहीं है ये यूपीएससी। जिन लोगों को सोचता है आसान है वो ना आए इसमें। लेकिन हाँ, मज़े के लिए एक आसान लग रहा है आपको, उस कठिनाई में भी आसान लग रहा है, उनके लिए है यूपीएससी। तो मैं आपको वही चीज़ दूंगा जो यूपीएससी के लिए रिलेवेंट हो, यानी कि उसमें काम करे, चाहे वो टफ हो सरल हो कैसे भी हो। मुझे पता है ये इतनी ऊंची पोस्ट है तो ये टफ तो लगेगी थोड़ी सी, लेकिन शुरुआत में धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी ना आपको। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ऐसी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ जो इंडिया की बेस्ट चीज़ें हैं, बेस्ट इंडिया की, वो बात कर रहा हूँ। चाहे वो आपका करंट अफेयर्स से ले लीजिए, इससे बेहतर करंट अफेयर्स नहीं होगा। इतनी सारी वेबसाइट से, इतना PIB, ये सब इन सब से करना, और कोचिंग संस्थानों की वेबसाइट्स देखना, उनसे क्या इम्पोर्टेंट है वो चीज़ केवल लेना, इंग्लिश की जो वेबसाइट है उनसे हिंदी कन्वर्ट करना, ये साधारण काम नहीं है दोस्तों। लेकिन मैं आपके लिए कर रहा हूँ ये चीज़, ठीक है, और मुझे फ़ायदा है और आपको भी फ़ायदा है। यानी कि हमें ऐसा काम करना चाहिए, मेरा फ़ायदा तो है ही है, लेकिन उससे दूसरों का फ़ायदा है या नहीं है रियल में, तो मैं वो चीज़ आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं इतना फेमस नहीं हूँ इस वजह से मान के चलिएगा ये चीज़ें, वरना ये लाखों रुपये की चीज़ें हैं और आने वाले समय में हो सकता है हो जाए और होगी, गारंटी से बता रहा हूँ मैं आपको। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।